रिडक्शन फॉर्मूलाज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, रिडक्शन फॉर्मूलाज इन इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या करें भैया, रिडक्शन जानते हो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन फॉर्मूलाज अच्छा, दुनिया में किसी चीज को रिड्यूस किया जा सकता है क्या? भाई रूल क्या है, आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, जानते हो क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज कम नहीं होती, अगर कोई चीज कम हो रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, है? केमिस्ट्री में भी जो फंडा आप लोगों ने सीखा होगा वो क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ कम होता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बढ़ता जरूर होगा। हाइड्रोजन का हटना होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बढ़ना नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। तो कभी भी एक चीज साइमल्टेनियसली, मतलब कुछ भी चीज कम हो रही है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। एनर्जी का भी फंडा क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब जो है सो फिक्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रिडक्शन को आप ऐसे मीनिंग में समझिए, जनरली रिडक्शन का मतलब जो कंक्लूजन दिमाग में आ जाता है वो क्या हो जाता है कि कम करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास जैसे आई एन कोई इंटीग्रल है, लेट आई एन हमें मालूम है, मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है जो कि आपको याद करने हो, ये टेक्निक है कैसे आप हायर पावर्स को, इंटीग्रल्स को कैसे एवेल्युएट करेंगे। ढंग से सुनना, तो लोगों को क्या समझ में आता है कि जैसे 10x की पावर n dx इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे भी हमारे पास रिलेशन आ जाए आई एन और आई एन माइनस वन में, या आई एन और आई एन प्लस वन में रिलेशन आ जाए, आई एन माइनस टू में रिलेशन आ जाए, तो n कम हो रहा है ऐसा कुछ रिलेशन आ जाए। बात समझ में आ रही है ना? तो इससे क्या होगा, हम मान लो आई टेन हमें निकालना है, आई टेन का मतलब क्या है, 10 की पावर 10 x dx, तो जो रिडक्शन फॉर्मूला होगा उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, मान लो ऐसा कुछ रिलेशन आ जाए तो आई नाइन आ जाएगा, आई नाइन की हेल्प से I8 आ जाएगा, I8 की हेल्प से I7 आ जाएगा, I7 की हेल्प से सिमिलरली हमें I1 की जरूरत पड़ेगी फाइनली। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि रिडक्शन का मतलब यह नहीं है कि IN और IN माइनस वन में ही रिलेशन आए। इन केस इफ यू गेट द रिलेशन बिटवीन IN प्लस टू एंड IN, ये भी क्या है, रिडक्शन ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब रिडक्शन का ऐसा दिमाग में कभी सेट मत करना कि अगर आई एन दिया है तो उससे कम में ही रिलेशन आए, उससे ज्यादा में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जो इंटीग्रल के रूल्स हैं या मैथमेटिक मैनिपुलेशन की हेल्प से इस टाइप के इंटीग्रल को यूज करने के लिए जिन टेक्निक्स का यूज हम करते हैं वही फॉर्मूलेज क्या है, रिडक्शन फॉर्मूलाज। बात समझ में आ रही है? मतलब वर्ड मीनिंग वही है, कम करना। मतलब किसी ज्यादा में रिलेशन निकालना है तो कम में या ज्यादा में कुछ भी आ जाए वो रूल तो क्या है, ज्यादा कम हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, जो टेक्निक्स हैं वो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उसकी हेल्प से ही आएंगी, और उनको समझना है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो टेक्निक कैसे डेवलप की जा रही है। बात समझ में आ रही है? लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, इसी को कर लेते हैं। चलो पहले इफ आई एन इक्वल टू इंटीग्रल 10 की पावर n x dx, ठीक है कि नहीं? देन डेवलप रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस, यही प्रॉब्लम, इस टाइप यही प्रॉब्लम रहेंगी अभी।
तो कई बार इसमें प्रोडक्ट रूल के यूज से करते हैं, कई बार फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, कैसे भी करते हैं, बस ढंग से देखना। लेट मुझे इसके लिए डेवलप करना है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास वो रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा तो मैं 10 की पावर 15x dx इसका इंटीग्रल भी बहुत ही आसानी से कर पाऊंगा, क्योंकि ये कम में कन्वर्ट होते होते फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स में, और 10 स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिसका इंटीग्रल हम आसानी से कर लेंगे। तो डेवलप तो मैं करूंगा, ये असाइनमेंट हो जाएगा घर के लिए आपका, समझ गए कि नहीं? देखिए जरा कैसे करेंगे। 10 से रिलेटेड मेरे पास क्या है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, मतलब इजीली इंटीग्रेबल है, मालूम है या नहीं मालूम, ये बात अलग है। कैसे कर लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जो n है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ध्यान से देखना, आई एन मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 10 एन माइनस 2 एक्स, ढंग से फोकस करना। बचा क्या मेरे पास, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स बचा ना, उसको क्या लिख दिया मैंने, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, बस हो गया, ये तो एक ही स्टेप का था, समझ आया है? ये मेरे पास आई एन था, ढंग से नोट भी करते जाइए, ये स्टेप लिख लिया है। नाउ आई एन मेरे पास क्या आ चुका है, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 एक्स, पावर कितना है, एन माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रल 10 की पावर एन माइनस 2 एक्स डीएक्स, गॉट इट, ये आ गया कि नहीं, बस हो गया डेवलप, बातों ही बातों में रिडक्शन फॉर्मूला डेवलप हो गया। देखिए कैसे, अगर ये आई एन है तो ये निश्चित तौर पे क्या होगा, आई एन माइनस 2, गॉट इट। नाउ कंसेंट्रेट हियर, आई एन इक्वल टू आई एन माइनस 2 हो गया, और ये इजीली इंटीग्रेबल है। कैसे इंटीग्रेबल है, अगर मैं 10x को t मानूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, dt। तो फाइनली ये किसमें कन्वर्ट होगा, t की पावर n माइनस 2 dt, और उसका इंटीग्रल कितना होगा, t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, गॉट इट, बात समझ में आई कि नहीं? तो काफी आसान है, इसलिए मैं लिख के नहीं बता रहा आपको। 10x को अगर मैं t मानूंगा तो sec स्क्वायर एक्स dx dt बनेगा, और t की पावर n माइनस 2 dt का इंटीग्रल कितना आएगा, t की पावर n माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो फाइनली व्हाट वी गेट हियर, 10x की पावर n माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1, समझ गए, आया कि नहीं है? कुछ हुआ क्या, हो गया रिड्यूस हो गया, कैसे, आई एन और किसमें रिलेशन आ चुका है आपके पास, आई एन माइनस 2, इसका मतलब इस रिलेशन की हेल्प से ही आई 15 किसमें चेंज होगा, आई 13, आई 11, आई 9, आई 7, आई 5, आई 3 एंड फाइनली I1, और 10x का इंटीग्रल कितना होता है, ln mod sec x। तो जो इस छोटी सी कैलकुलेशन की हेल्प से फायदा क्या हो गया, जो मुझे इंटीग्रल 10x की पावर 15 निकालना था उसे भी मैं आसानी से निकाल सकता हूं, गॉट इट, समझ गए है? एकदम सिमिलर है, वैसे तो मैं एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर सकता हूं, आई एन मेरे पास है, लेकिन फिर भी हम उसे सॉल्व तो करेंगे। आई एन इसके लिए डेवलप करना है, कॉट की पावर एन एक्स डीएक्स, एक मिनट एक सेकंड में करने वाला जो तरीका है वो मैं पहले आपको बता देता हूं, क्योंकि एक आपको एक मिनट में करने वाला करना है बाद में, ये इट्स वेरी सिंपल, कंसंट्रेट करिए। अगर मैं एक्स को क्या लिख दूं, एक्स को मैं लिख देता हूं टी
पाई बाई टू माइनस टी लिख दूं, अगर एक्स को क्या लिख दूं, ढंग से देखना, अगर मैं एक्स को क्या लिखता हूं, पाई बाई टू माइनस टी, तो डीएक्स कितना आएगा, माइनस डी टी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आई एन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल टेन टी की पावर एन डी टी माइनस, समझ गए ना, तो इसके लिए तो अभी डेवलप किया ही था, माइनस से क्या फर्क पड़ेगा है, तो इसके लिए रिडक्शन और इसके लिए रिडक्शन कोई अलग नहीं है, आप जल्दी से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट जो टेक्निक 10x के लिए यूज हुई है वही टेक्निक इसके लिए यूज होगी, तो आप एक मिनट वाली अप्रोच से अटेम्प्ट करिए, अभी जल्दी से करिए, आई एन ये तो आई गया, उसमें कन्वर्ट हो गया ना, तो उसका आता है हमें, तो उस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी ऐसे करिए, उसी अप्रोच से कम से कम रिवाइज हो जाएगा या तैयार हो जाएगा, जल्दी करिए। थोड़ा सा जल्दी करिए, ये याद नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले, लेकिन करके बार बार देख रहे हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कैसे डेवलप करते हैं। आगे आया कि नहीं, देखिए कैसे आई एन कैसे लिख देंगे, इसे कॉट की पावर एन माइनस टू एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस वन, क्योंकि अभी डिटेल में किया था इसलिए इसमें ज्यादा स्टेप में लिखने की ज्यादा स्टेप्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ध्यान से देखिए आई एन कितना आ जाएगा, कितना आएगा, कॉट एक्स को टी मानेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, और इधर कितना आ जाएगा माइनस आई एन माइनस टू, गॉट इट, ये आ रहा है क्या है, दोनों तरफ आई एन है यार, क्या है दोनों तरफ आई है ना, वो तो एडजस्ट हो जाएगा आई में, क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ गए ना, आई हटा थोड़ी नहीं है पूरे ओवरऑल इंटीग्रल से, समझ आ गया, प्रोडक्ट रूल में भी तो नहीं लगाते, प्रोडक्ट रूल में भी तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लगाते, समझ गए ना, ये आ गया कि नहीं, नेक्स्ट लिखिए, आई एन मेरे पास है इंटीग्रल सेक की पावर एन एक्स डीएक्स, एक मिनट दूंगा इसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए, करिए, सोचना पड़ेगा थोड़ा धीरे धीरे थिंकिंग, ये बस इसलिए दिया जा रहा है टाइम कि थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करें आप, देखिए चलिए, तो धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इनको दोबारा भी करना है जिससे कि थोड़ा सा डेवलप हो, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं रिडक्शन डेवलप करने की, सेक से बारे सेक के बारे में मेरे को क्या मालूम है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, आई एन, अरे ये तो डायरेक्ट ही आ गया यार, उससे भी आसान है, ये मेरे पास सेक की पावर कितना बचेगा एन माइनस टू एक्स, और जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको मैंने लिख दिया
क्या किया जाए यार, कुछ फायदा हो रहा है क्या? सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? है क्या कुछ फायदा नहीं हो रहा यार, कैसे होगा ये? है कुछ फायदा हुआ आप लोगों ने करके देखा था क्या? बताइए कुछ फायदा हो रहा हो तो बताओ, नहीं तो और किसी रास्ते पे चलें। है इससे फायदा नहीं होगा भैया। है जब हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल ही मालूम है तो इस रास्ते पे क्यों चलना? सेक स्क्वायर एक्स ओके, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, समझ गए ना? अब हम करते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं यार। सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रल किया था, ध्यान करिए इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? टेन एक्स ओके, कुछ उम्मीदें तो जग रही हैं। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना आएगा? एन माइनस टू ओके, सेक एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया चलो, और एन माइनस थ्री होगा, और फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव भी आएगा सेक एक्स और टेन एक्स, और वो वाला एक टेन एक्स और है तो टेन स्क्वायर एक्स, वो तो गया, खत्म हो गई कहानी, समझ आए? प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, सेक एक्स की पावर एन माइनस टू को फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन माना है, समझ गए? ध्यान से देखिए, मैं सोच रहा था इस जगह का यूज नहीं करूंगा लेकिन क्या करें, अब करना पड़ रहा है। तो आई एन इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, ये तो नोन चीज हो गई, सेक की पावर कितना है एन माइनस टू है और टेन एक्स है। अब थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करिए, ये सेक की पावर कितना आ गया, एन माइनस टू तो बाहर है, इसको लेता हूं मैं आगे अंदर लिखता हूं, सेक की पावर एन माइनस थ्री है, एक सेक एक्स है तो ओवरऑल क्या आ गया सेक की पावर, चलो फिर ठीक है, सेक की पावर एन माइनस टू एक्स। अब मैं एक स्टेप ज्यादा लिखना चाहता था इसलिए मैंने यहां पर बोला नहीं, मैं लिख ही देता हूं, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो बस हो गया रिडक्शन, खत्म हो गई कहानी। कंसंट्रेट करिए, दिखाई दिया कि नहीं दिया? आई एन, ये आई एन है सही है, आई एन सेक की पावर एन माइनस टू एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलके भी क्या बना देंगे, सेक की पावर एन एक्स तो प्लस एन माइनस टू आई एन दोबारा से बन जाएगा। है इधर कितना आएगा, सेक एक्स की पावर एन माइनस टू टेन एक्स, और क्या बचा भैया, ये माइनस माइनस प्लस एन माइनस टू आई एन माइनस टू, गॉट इट? तो आई एन और आई एन माइनस टू में क्या आ गया, रिलेशन, इट मींस रिडक्शन, गॉट इट? रंजन उठ कर लो, सही तरह से करिए, बनना चाहिए। सिंपली प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इससे पहले कि मैं सिंपल मैनिपुलेशन फॉर्मूले से हुआ था तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। समटाइम्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से आएगा रिडक्शन, समटाइम्स प्रॉपर्टी लगाने से आएगा, कई बार डेरिवेटिव करने से भी रिडक्शन आ जाता है, बताऊंगा मैं। थोड़ा ध्यान से लिखिए, करेक्ट लिखना है,
आ गया। अब अगेन जो सिमिलर है, एक सेकेंड या पांच सेकेंड वाली जो अप्रोच है उससे मैं बताऊंगा आईएन, और थोड़ी सी लेंदी से आप करेंगे। लेट मुझे रिडक्शन डेवलप करना है किसके लिए, कोसेक की पावर एन एक्स डीएक्स। तो इट इज अगेन द सेम। देखिए एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं पाई बाई टू माइनस टी लिख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, डीएक्स कितना आएगा माइनस डीटी, और ये मेरे पास आई एन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक एन टी डीटी। एंड इसके लिए भी हमने डेवलप किया था तो उसकी हेल्प से कर लेंगे, गॉट इट, नोट कर लो। और एक डिफरेंट अप्रोच से आप कर सकते हैं, सिमिलर है एकदम, इतना नोट करिए, प्रैक्टिस भी होती जा रही है साथ के साथ, ये बहुत सही चीज है कि कोसेक और सेक, जल्दी करिए, है तो सेम ही, भगवान ने सेम इसलिए बनाया है कि एक कोई और सिखाए और एक अपने आप किया जाए, जल्दी करिए, ये तो आई गया ना। दूसरी अप्रोच से भी कर लो, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड कोसेक की पावर एन माइनस टू में चेंज करके प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, जल्दी करिए। जल्दी करिए, मुझे लगता है आ गया होगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस आ जाएगा कोसेक एन माइनस टू एक्स, एंड कॉटेक्स होता है ना शायद, माइनस कॉटेक्स होता है कि कॉटेक्स, और फिर डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस एन माइनस टू कोसेक एन माइनस थ्री एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होता है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस का आता है तो एक माइनस वो और एक माइनस कॉट एक्स का कॉट एक्स, तो ये ओवरऑल यही आ गया डीएक्स, गॉट इट, है सही है ना। तो फाइनली अगले स्टेप में लिख देते हैं, माइनस कोसेक एन माइनस टू एक्स कॉट एक्स एंड माइनस इंटीग्रल एन माइनस टू कॉसेक एन माइनस टू, और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई एन बन जाएगा और आगे आई एन माइनस टू बन जाएगा, तो इट इज द रिडक्शन बिटवीन आई एन एंड आई एन माइनस टू। तो मुझे लगता है आगे बताने की जरूरत नहीं है, ढंग से नोट कर लीजिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ओके। आ गया,
नाउ नेक्स्ट, आपको मौका दिया जाएगा एक मिनट का। आईएन मेरे पास है इंटीग्रल साइन एन एक्स डीएक्स, अटेम्प्ट इट, रिडक्शन फॉर इट। कंपैरेटिवली ये टफ रहेगा शायद। नहीं आ रहा क्या? चलो यही मैं ही बताता हूं। कॉस वाला आप ट्राई कर लेना थोड़ा सा, देखिए रहे क्या करें, प्रोडक्ट से कुछ फायदा होगा क्या मालूम। आई एन एक काम करता हूं, देखा जाएगा। साइन की पावर मैंने लिख दिया एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स डीएक्स, सही है। अब देखते हैं प्रोडक्ट टू लगा देते हैं, इसको वन मानते हैं, इसको टू मानते हैं। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ऐसा ही करें, और ये अंडरस्टैंडिंग और दो तीन बार करोगे तब ये डेवलप होगा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाइए तो कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स की पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस एक्स, ओके। इधर कितना आ जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कुछ उम्मीदें तो लग रही है, एन माइनस वन, ओके बन ही गया। साइन एक्स की पावर कितना आएगा एन माइनस टू, इसके डेरिवेटिव में कितना आता है कॉस एक्स, एक कॉस एक्स पहले से ही है, माइनस कॉस एक्स था लेकिन आगे का साइन मैंने चेंज कर दिया, कुछ समझ आया है? तो ये हो चुका है, अब फिर भी मैं फॉर्मेलिटी पूरी करता हूं, लिख ही देता हूं। आई एन हमारे पास कितना आएगा, साइन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस कॉस एक्स, इट मीन्स इट इज माइनस, एंड हियर प्लस, जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैं क्या लिख दूंगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एन माइनस वन ये साइन एक्स की पावर एन माइनस टू क्या बन जाएगा, आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एन माइनस टू के साथ मिलकर क्या बना देगा, आई एन, गॉट इट। तो मुझे लगता है रिडक्शन आ गया, बड़ा अच्छा सा आया ये तो रिडक्शन यार, कितना आया एन आई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, गॉट इट, सही है, ओके। तो कुछ कुछ फील आ रही होगी रिडक्शन क्या होता है, समझ गए कि नहीं। अब अगेन कॉस एक्स के लिए एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं, मान लो मुझे आई एन किसके लिए डेवलप करना है, कॉस एक्स के लिए, तो ये भाई भाई हैं साइन और कॉस, पता नहीं भाई हैं कि या एक ही रू एक ही चीज है, एक्स डी एक्स, एक्स को क्या लिख देंगे पाई बाई टू माइनस टी, तो डायरेक्टली यहां से आ सकता है डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस डी टी, एंड दिस रिडक्शन कन्वर्ट इनटू माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर एन डीएक्स, और ये हमें आता ही है तो माइनस भी आता है तो ये भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, ढंग से नोट कर लिए।
आ गया। दोबारा से करें इंडिपेंडेंटली, देखिए जरा आई एन मेरे पास कितना है, कॉस दिखाई देने चाहिए स्टेप्स, कैसा लिख देंगे वो तो सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम तो लिखें पहले भैया, ये मैंने किया एन एक्स डी एक्स एंड कैसे लिख सकते हैं इसे, कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, गॉट इट। एंड अगेन क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल, कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस डेरिवेटिव कितना आएगा, एन माइनस वन कॉस की पावर टू एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स, एंड ये साइन एक्स है डी एक्स। तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एन इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो एन माइनस वन आई एन माइनस टू और माइनस अगेन एन माइनस वन आई एन, समझ गए। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो इन रिडक्शन की हेल्प से हम काफी इंटीग्रल सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं, क्या साइन की पावर 100 डीएक्स के इंटीग्रल कर सकते हैं, यस yes। क्योंकि वो किसमें चेंज हो जाएगा, 98 में और फाइनली 1, मतलब तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड डायरेक्टली रिडक्शन रिजल्ट्स हैं उसको डेवलप करना हमने सीख लिया है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा ये, मतलब कोई भी इंटीग्रल हो 10 की पावर 30 एक्स डीएक्स कर लेंगे आपको, नो प्रॉब्लम, पहले रिडक्शन डेवलप करेंगे फिर कम करते 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 सॉल्व कर लेंगे। सेक की पावर 50x, मतलब अब हमारे लिए ये भी बहुत बड़े चैलेंज नहीं रहे, क्या इंटीग्रल ऑफ सेक की पावर 100x dx कर लेंगे क्या, यस। साइन की पावर 150x dx हो जाएगा, ओके। कॉस की पावर 200x dx हो जाएगा, यस। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन ये पूरा पार्ट समझ में आ गया, कोई डाउट करके देखते हैं कैसे करेंगे, इतने बार बार तो मैं लिखूंगा नहीं, कम पावर वाला बता सकता हूं है? क्या नहीं, रूल तो करना तो पड़ेगा ही ना, 118 में कन्वर्ट होगा, रिलेशन निकालना है हमें तो, तो लंबा तो होगा ही, नंबर भी ज्यादा मिलेंगे अगर आएगा तो, अदरवाइज डेफिनेट आएगा, जिसकी वैल्यूज कम जीरो होती जाएंगी, तो रिलेशन ओनली क्या काम देगा, मतलब आसान वाला इंटीग्रल ही काम देगा, ठीक है ना, एक करके बताया जाए कि कर लेंगे हम है? क्या हाँ कर तो बन तो जाएगा ना, एन की जगह 100 रखेंगे तो 100 और 98 में रिलेशन आएगा ना, तो 98 से फिर 96 में ऐसे ही रिड्यूस करते करते, यही तो तरीका है रिडक्शन, समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया ये, ओके गुड।